हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेवेंथ क्लास का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, लाइंस और एंगल्स आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। व्हाट इज लाइंस, व्हाट इज एंगल, लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, इनके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं कुछ आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, लाइंस, लाइंस क्या होते हैं? तो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट दैट गोज एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। लाइन जो क्या होता है, वह पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है। पॉइंट का को जब एक साथ जोड़ते हैं हम लोग, लेकिन कैसे, बोथ अपोजिट डायरेक्शन, दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या बनता है, लाइन का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ऐसे पॉइंट मिल मिल कर एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो ये सब क्या है, लाइन बन रहा है। और ये कहाँ तक जाता है, एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। एक लाइन पे करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में पॉइंट होते हैं, यानी इनडिफिनिट पॉइंट्स के मिलने से लाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लाइन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, पैरेलल लाइन, इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स क्या होता है, तो वेन टू लाइन और लाइन सेगमेंट मीट अ पॉइंट देन फॉर्म एन एंगल। अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन या लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन सेगमेंट है, यह भी एक लाइन सेगमेंट है, दोनों आकर आपस में मिले तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, या लाइन अगर लाइन है तो देखिए लाइन ऐसे चला जाएगा, लाइन तो क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस प्रकार से 4 एंगल्स बने। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। हम लोग अभी एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वह होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। ठीक है, वेन द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ टू एंगल। ठीक है, यदि दो एंगल का जो सम है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल है, अगर उनका सम 90 डिग्री होगा तो वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, यानी कंप्लीट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 85 डिग्री और दूसरा लिख दिया 5 डिग्री, तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी ये दोनों कहलाएंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 60 डिग्री, बोलेगा कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होना चाहिए, यह एंगल और एक और जो एंगल चाहिए उनका सम 90 होना चाहिए। तो कितना ऐड करेंगे कि 90 होगा जी, तो 30। ठीक है, 30 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 90 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री। देखिए फिर एक और क्वेश्चन है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, नेम द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट इज देयर सम्स इज आल्सो अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मींस बोथ एंगल्स आर सेम। मतलब ऐसे आपको दो एंगल्स बनाना है कि दोनों का सम जो है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए और दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वो कौन सा एंगल है, तो देखिए 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो भी इसके बराबर होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 45 डिग्री। ठीक
ठीक है, शायद आप लोग कंप्लीमेंट्री एंगल समझे होंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब द सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री, दो एंगल का सम 90 होना चाहिए, ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया है, मान लीजिए कि ये जो एंगल है वह 35 डिग्री है, एंगल कितना है 35 नहीं है, मान लीजिए 45 है, ये 45 डिग्री है, तो बोलेगा कि इसका कंप्लीमेंट्री एंगल बनाइए। तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या करेंगे, एक और 45 हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों का सम क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इन दोनों का जब सम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये क्या है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वो होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यानी दो एंगल का सम जब 180 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे 110 डिग्री एंड 70 डिग्री, दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री, यानी ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा आपसे कि 75 डिग्री और 105 डिग्री आर बोथ सप्लीमेंट्री, तो हम लोग इन दोनों का सम करके हम लोग चेक कर लेंगे, अगर इन दोनों का सम 180 आ गया तो यस बोथ आर सप्लीमेंट्री, अगर 180 नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे कि नॉट, दे आर नॉट सप्लीमेंट्री, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट द सप्लीमेंट्री ऑफ 120 डिग्री, राइट द सप्लीमेंट्री ऑफ 120 डिग्री, तो आपको क्या करना है, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, मीन्स सप्लीमेंट्री ऑफ 120 इज 60 डिग्री, सप्लीमेंट्री ऑफ 120 इज 60 डिग्री, ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, देखिए, व्हेन टू लाइन और लाइन सेगमेंट्स बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हेन टू और टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर देन फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे फिगर से इसको समझेंगे हम लोग, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट बनाया, इस लाइन सेगमेंट का नाम हुआ ए बी और दूसरा लाइन सेगमेंट हुआ सी डी, ठीक है। तो और जिस पॉइंट पर ये काटा उसका नाम है ओ, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उसका नाम है ओ। तो यहाँ पे आपको चार एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम है एंगल बी ओ डी, इस एंगल का नाम हुआ, ऐसे जो एंगल बन रहा है इस एंगल का नाम हुआ एंगल ए ओ सी, यहाँ पे जो ऐसे एंगल बन रहा है देखिए इस एंगल का नाम हुआ बी ओ सी, और जो ये एंगल है इसका नाम हो गया एंगल ए ओ डी, ठीक है। तो इस प्रकार से चार एंगल बना, तो जो चार एंगल बना इसमें से जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल यानी एंगल ए ओ डी जस्ट अपोजिट टू एंगल बी ओ सी, तो ये जो दोनों एंगल हो गए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल वन और एंगल टू, यानी एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वह क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, फिर ये जो एंगल है ठीक है, यानी एंगल थ्री और एंगल फोर हम लोग लिखेंगे एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, ये जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट है, एंगल थ्री और एंगल फोर वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, और एंगल वन और एंगल टू ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, ठीक है।
तो व्हेन टू लाइन सेगमेंट और लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एंड मीट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन फॉर्म ए वर्टिकली अपोजिट एंगल. वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल पर, और फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे को कट करते हैं तो इसको इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल और इसको इसको यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं. ठीक है, हमारा जो अब अगला टॉपिक होगा वह होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. एंगल का लीनियर पेयर क्या होता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि लीनियर पेयर क्या होता है. वेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, वेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री एंड बोथ एंगल आर एडजेसेंट एंगल, एंड बोथ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल एंड देयर नॉन कॉमन आर्म, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. मतलब क्या हुआ कि देखिए लीनियर पेयर क्या होता है कि लीनियर पेयर में जो एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होते हैं और दोनों एंगल 180 होने चाहिए, दोनों का सम और दोनों एडजेसेंट एंगल. मतलब देखिए यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, आपको यहाँ पे दो एंगल दिख रहा होगा, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी आपको दो एंगल दिख रहा है. ठीक है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है या इसके जस्ट बगल में है. एडजेसेंट का मतलब होता है नजदीक का, पास का. ठीक है, एडजेसेंट एंगल है ये दोनों. और देखिए एडजेसेंट एंगल है तो लीनियर पेयर क्या कहलाता है, यदि दो एंगल्स है, दो एडजेसेंट एंगल है और दोनों का, देखिए इसमें एक कॉमन आर्म है, ये जो एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी किस किस आर्म से मिलकर बना हो, इसका पहला आर्म है ओ सी और दूसरा आर्म है ओ ए, इसके दो आर्म है. ठीक है, जो ये एंगल बना है इस एंगल में भी दो आर्म है, एक ओ बी और एक ओ ए. तो देखिए जो ओ ए आर्म है, यह जो आर्म है वह क्या है, कॉमन है, दोनों में है, और ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन है. ठीक है, ये दोनों नॉन कॉमन है, यानी कॉमन नहीं है और ये कॉमन है. तो इफ टू एडजेसेंट्स आर सच दैट देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट टू ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो. तो देखिए यह एक दूसरे के इधर जा रहा है या एक दूसरे के एकदम अपोजिट में, एकदम जस्ट अपोजिट जा रहा हो, तो ये लीनियर पेयर कहलाएगा. जैसे मान लीजिए कि हमने एक ऐसे बना दिया एंगल, इसमें भी दो एंगल है यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें ये जो है कॉमन आर्म है, लेकिन ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये एक दूसरे के अपोजिट में जा रहा है जी, इसका अपोजिट तो इधर हो गया, इसका अपोजिट इधर हो गया, तो ये जो कहलाएंगे ये लीनियर पेयर नहीं कहलाएंगे. लीनियर पेयर कब कहलाएंगे कि जब उनके जो नॉन कॉमन आर्म हो वह क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, जस्ट लाइक दिस फिगर. ओके, आप लोगों ने लीनियर पेयर समझा होगा, यानी लीनियर पेयर में इन दोनों का सम जो होगा वह क्या होगा, 180 डिग्री होगा. यानी अगर दो एंगल लीनियर पेयर है, इफ टू एंगल्स आर लीनियर पेयर देन देयर सम इज 180 डिग्री, मीन्स एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री इफ दे आर लीनियर पेयर. ओके, हमारा जो अगला टॉपिक होगा
वह होगा एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स में हम लोगों को क्या जानना है कि दो एंगल, एडजेसेंट का मतलब ये होता है समीप, पास, नजदीक। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब होता है, तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया और एक यहाँ पे एंगल बना दिया, तो एंगल दोनों क्या कहला है, एडजेसेंट में यानी नजदीक में है। यहाँ पे तो ये एंगल, एंगल वन और एंगल टू, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट में है। देखिए अब ट्रायंगल के लिए हिसाब से बता रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इस एंगल का नाम है वन, ये एंगल दो, टू और एंगल थ्री, तो एंगल वन जस्ट एडजेसेंट टू टू, एंगल वन और टू एडजेसेंट है, एंगल वन थ्री का भी एडजेसेंट हो सकता है या थ्री टू एडजेसेंट है। ठीक है ना, मान लीजिए कि हमने स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर का नाम है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो इसमें एंगल सी एडजेसेंट टू एंगल बी, एंगल सी एडजेसेंट टू एंगल बी, यानी सी के एडजेसेंट में बी है, सी के एडजेसेंट में डी है, ये कह सकते हैं कि एडजेसेंट बी जो है और एंगल सी जो है और एंगल जो डी है वो एडजेसेंट है, एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट है, लेकिन एंगल सी और एंगल ए एडजेसेंट नहीं है, एंगल सी और एंगल ए एडजेसेंट नहीं है, एंगल डी और एंगल बी एडजेसेंट नहीं है, एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट है, एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट है। इस प्रकार से आप लोग एडजेसेंट एंगल समझे होंगे। इस बेस पर जितना अभी आपको बताया, इस बेस पर आप लोग एक्सरसाइज 6.1 बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग 6.1 बनाइएगा और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 6.1। थैंक यू।